हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मार्केट काफी हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा था और रिजल्ट सीजन भी ओवर हो चुके थे। बजट का भी इम्पैक्ट मार्केट ने देख लिया था, बजट को काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था मार्केट ने और काफी हायर वैल्यूएशन पर जाकर के ट्रेड कर रहा था। सारी कंपनियों ने अपनी रिजल्ट प्रस्तुत कर दी है हम निवेशकों के सामने। सारे कंपनियों के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ गए हैं। इस रिजल्ट सीजन में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि आईटी कंपनियों ने जबरदस्त रिजल्ट प्रस्तुत किए हैं। ऐसे तो जनरली आईटी कंपनियों के जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट होते हैं वो काफी वीक देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट रहे आईटी कंपनियों काफी दमदार रहे हैं। और दोस्तों, जब सारे इवेंट अब खत्म हो चुके हैं तो मार्केट करेक्शन ले रहा है और ये ऑब्वियस था कि मार्केट में करेक्शन आना था और सारे के सारे स्टॉक गिर रहे हैं। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि कंपनियां कोई भी हों, फंडामेंटली मजबूत हों या फंडामेंटली वीक हों, जब मार्केट गिरता है तो सारे स्टॉक पिटते हैं और अभी सारे स्टॉक की पिटाई चल रही है। तो दोस्तों, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मेरा कहना है कि जब इस प्रकार के करेक्शन मार्केट में देखने को मिलती है तो हम लोगों को एक्चुअली इसे सेल लगने की तरह समझना चाहिए। जैसे कि मार्केट में सेल लगते हैं तो लोग मार्केट में जाकर के अच्छी चीजें कम कीमत में लेकर के आते हैं, उसी तरह अभी मार्केट में सेल लगा हुआ है, सेल की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे अवसर को हम लोगों को जरूर भुनाना चाहिए और जो अच्छी कंपनियां हैं सस्ते रेट में लेनी चाहिए। तो इसी सीरीज में दोस्तों, मैं इस वीडियो में टॉप 10 आईटी कंपनियों के बारे में बात करूंगा, जिसको कि मार्केट के हर गिरावट में इसको एक्युमुलेट करना चाहिए और जब भी करेक्शन ओवर होगा तो यही सारी कंपनियां जो है मार्केट को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इन सारे कंपनियों के जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट रहे थे वो काफी शानदार देखने को मिले थे। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग पहला जो स्टॉक देख रहे हैं वो TCS का है। यहाँ पर देखिए, ये काफी हायर वैल्यूएशन पर चला गया था, लगभग 3,350 के आसपास चला गया था, वहां से करेक्ट होकर के अभी तकरीबन 2,950 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर हम लोगों को नजर रखनी होगी। यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने टेक्निकल चार्ट लगा के रखे हैं और ये डेली चार्ट है। इसमें TCS ने अपने 50 डेज एमा को ब्रेक करके ये 100 डेज एमा की ओर जाता हुआ देखने को मिल रहा है और ये काफी अच्छा मौका दे रहा है दोस्तों हम निवेशकों को। इसमें SIP मोड में अगर हम लोग खरीदारी करके चले तो ये स्टॉक इन लेवल से काफी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। और इस संबंध में दोस्तों हम लोगों ने ढेर सारे वीडियो अपलोड किए हैं, जिसे कि आप जाकर के देख सकते हैं। तो एक मजबूत फंडामेंटल वाला ये स्टॉक है TCS और इसने भी काफी अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत किया है और ये हर गिरावट में इसमें खरीदारी करके चले तो आने वाले समय में ये काफी अच्छा रिटर्न हम निवेशकों को दे सकते। दूसरा स्टॉक है दोस्तों इंफोसिस। इसने भी काफी लाइफ हाई बनाया था। ये देखिए, ये तकरीबन 1400 के स्तर को छुआ था, उसके बाद इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है और ये भी अपने 50 डेज एमा के आसपास जाकर ट्रेड कर रहा है। अभी इसने 50 डेज एमा को तोड़ा नहीं है, लेकिन इसमें भी गिरावट समय के साथ देखने को मिलेगी। तो इस स्टॉक पर भी नजर रखने की जरूरत है। निचले स्तरों में इसमें भी हम लोग अगर खरीदारी करके चले, लंबे समय तक बने रहते हैं तो जब भी करेक्शन ओवर होगा मार्केट में तो इस शेयर में काफी तेजी हम लोगों को बनते हुए देखने को मिलेगी। दोस्तों याद रखिएगा, जब मार्केट उच्चतम स्तरों पर चलता है और स्टॉक जो है लाइफ हाई में चलते रहते हैं, उस समय जो निवेशक होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होता है। जो मैं यहाँ पर ये जो रेड लाइट ब्लिंक कर रहा हूँ, इस लेवल पर ढेर सारे इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब मार्केट गिरावट में रहता है और इस लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है तो वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिखता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ही कॉन्फिडेंस लेवल दिखाने की जरूरत होती है। जब मार्केट में गिरावट हो रही होती है तब इन स्तरों पर गिरावट वाले माहौल में आपको थोड़ा बोल्ड डिसीजन लेना होगा और इन स्तरों पर खरीदारी करके थोड़ा लंबे समय के लिए बने रहें तो यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न
ये स्टॉक भी आपको दे सकता है, क्योंकि इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिले थे। तीसरा स्टॉक है दोस्तों HCL टेक्नोलॉजी, इसकी भी बात करें तो ये भी लाइफ हाई लगाया था, ये तकरीबन 1100 के लेवल के आसपास लाइफ हाई लगा करके इसमें भी गिरावट लगातार देखने को मिल रही है, और इसने भी 50 डेज एमा को तोड़ दिया और 100 डेज एमा के आसपास ये जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये भी एक बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, इसने भी काफी शानदार क्वार्टर थ्री के रिजल्ट प्रस्तुत किए हैं, और इस शेयर में भी अगर हर गिरावट के साथ अगर हम लोग SIP मोड में खरीदारी करके चलें और थोड़े लंबे समय के लिए बने रहे, तो जब क्वार्टर फोर के रिजल्ट आएंगे, एनुअल रिजल्ट आएंगे इस कंपनी के, तो इसमें काफी तेजी हम लोग बनता हुआ देख पाएंगे, और ये काफी शानदार रिजल्ट एनुअल रिजल्ट प्रस्तुत करने वाली है, तो हम लोग इस शेयर में भी काफी अच्छा तेजी बनता हुआ देखेंगे आने वाले समय में, जब भी मार्केट का करेक्शन ओवर होगा। तो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों LTI यानी लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड, इस स्टॉक ने भी काफी शानदार प्रदर्शन दिखाया है। ये देखिए लगातार ये बुलिश फेज में चल रहा था, और इसमें भी समय के साथ गिरावट देखने को मिल रही है, इसने भी लाइफ हाई तकरीबन 4500 के स्तर पर बनाया था, और अभी ये 50 डेज एमा को जस्ट ब्रेक किया है और ये 100 डेज एमा की ओर निकलता हुआ देखने को मिल रहा है, तो मार्केट में अगर करेक्शन जारी रहती है और ये स्टॉक भी निचले स्तरों पर या इन स्तरों से भी अगर खरीदारी शुरू करते हैं और निचले स्तरों तक इसमें खरीदारी करके चलते हैं, तो ये स्टॉक भी काफी अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है, और इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है अभी तक अपने निवेशकों को, और आगे भी इसके जो रिजल्ट रहेंगे वो शानदार देखने को मिलेंगे, और इस स्टॉक में इन लेवलों से भी काफी तेजी बनता हुआ हम लोग आने वाले समय में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों MindTree, जैसा कि हम लोग चार्ट में देख रहे हैं ये काफी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, अब फिलहाल इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, मार्केट में गिरावट के साथ ही इसमें भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, इसने भी अपने 50 डेज एमा को ब्रेक कर दिया है और 100 डेज एमा की ओर ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो अगर मार्केट में जो करेक्शन चल रही है आगे भी जारी रहेगी तो ये स्टॉक इन लेवलों से भी नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन ये गिरावट हम रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर को अच्छा मौका दे रहा है कि हम लोग इस स्टॉक में खरीदारी करके चले और लंबे समय तक बने रहे, तो ये स्टॉक भी इन स्तरों से काफी अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसके भी जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट रहे हैं दोस्तों वो काफी शानदार देखने को मिले हैं, और ये कंपनी भी जो एनुअल रिजल्ट प्रस्तुत करेगी जो कि अप्रैल महीने में देखने को मिलेगा वो काफी शानदार देखने को मिलेंगे, और उस समय इन स्टॉक में काफी तेजी बनता हुआ हम लोग देख पाएंगे। LTTS यानी लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, ये भी L&T ग्रुप की कंपनी है, और इसमें भी हम लोग देख रहे हैं काफी बुलिश ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये भी IT सेक्टर से आती है, और अगर पर्टिकुलरली बोले तो ये ऑटो सेक्टर को कैटर करती है, और हम लोग इसको ऑटो सेक्टर का प्रॉक्सी भी मान सकते हैं, तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है अपने उच्चतम स्तर से, लेकिन अभी ये 50 डेज एमा को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन इस स्टॉक में भी अगर गिरावट देखने को मिलती है और ये 50 डेज एमा यानी कि 2400 के आसपास आता है, तो इस स्टॉक में भी अगर हम लोग खरीदारी करके चले और लंबे समय तक बने रहें तो ये स्टॉक भी इन लेवलों से काफी अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है, और इसके भी जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट रहे थे वो काफी अच्छे देखने को मिले थे, और जो ये क्वार्टर फोर का रिजल्ट प्रस्तुत करेगी दोस्तों तो बाकी IT कंपनियों की तरह इसके भी रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिल सकते हैं, और जिसके वजह से इसमें काफी तेजी बनता हुआ हम लोग आने वाले समय में देख पाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों टाटा एलेक्सी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी काफी बुलिश फेज में चल रहा है, ये देखिए लगातार ये काफी बुलिश फेज में चल रहा है, और ऊपरी स्तरों से लाइफ हाई बनाने के बाद इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि ये 50 डेज एमा को अभी तक टच नहीं किया है जो कि इसके स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है, लेकिन मार्केट में जिस तरह से बिकवाली हावी हो रही है हम लोगों को TCS भी लोअर लेवल पर हो सकता है ट्रेड करता हुआ मिल जाए, लेकिन इस स्टॉक में भी हर गिरावट के साथ खरीदारी करके चलने चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक ने भी काफी अच्छा क्वार्टर थ्री का रिजल्ट प्रस्तुत किया था, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसने रिजल्ट आने के पहले ही काफी अच्छा रैली दिखाया था, तकरीबन इसमें 1000 रुपये की रैली देखने को मिली थी, फिलहाल ये भी गिरावट के मूड में है, और मार्केट में अगर करेक्शन जारी रही तो ये इन स्तरों से भी नीचे
ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में भी हम लोगों को धीरे धीरे SIP मोड में निवेश करके चलना चाहिए, और अगर थोड़े दिनों तक बने रहें तो जब क्वार्टर फोर के रिजल्ट आना शुरू होंगे दोस्तों, तो इस स्टॉक में काफी तेजी बनता हुआ हम लोग देख पाएंगे, ऐसा पूरे विश्वास के साथ हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों टेक महिंद्रा लिमिटेड। जैसा कि देख रहे हैं इसमें भी काफी बुलिशनेस देखने को मिल रहा है, और ये काफी बुलिश फेज में जा चुका है, और इसने भी लाइफ हाई लगाया था दोस्तों, उसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और मार्केट करेक्शन के साथ इसमें भी तेज गिरावट देखने को मिली है, और ये तकरीबन 1100 के स्तर से टूट करके अभी 950 के स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसने भी 50 डेज एमा को तोड़ दिया है, और ये 100 डेज एमा की ओर निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। ये भी काफी अच्छा सेट ऑफ नंबर्स हम निवेशकों के सामने प्रस्तुत की थी क्वार्टर थ्री के, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो क्वार्टर फोर और एनुअल रिजल्ट आएंगे अप्रैल महीने में टेक महिंद्रा के, वो भी काफी शानदार देखने को मिलेंगे। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जो गिरावट चल रही है मार्केट में, ये काफी अच्छा अवसर दे रहा है हम लोगों को खरीदारी करने का इन स्टॉक में, टेक महिंद्रा में भी, और अगर इसमें लंबे समय तक बने रहे तो हम लोग ये अवश्य बोल सकते हैं अप्रैल महीने में जब इनके रिजल्ट आएंगे क्वार्टर फोर के और एनुअल रिजल्ट, तो हम लोगों को इस स्टॉक में काफी तेजी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। आखिरी स्टॉक है दोस्तों विप्रो लिमिटेड। सारे कंपनियों के नाम हमने तो ले लिए थे, विप्रो को छोड़ा नहीं जा सकता है। इसके भी चार्ट पैटर्न को अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये भी काफी बुलिश फेज में चल रहा है, और इसने भी लाइफ हाई लगाने के बाद इसमें भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है, और ये अपने 50 डेज एमा को अभी टच करने वाला अभी तोड़ा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से गिरावट देखने को मिल रही है हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये भी अपने 50 डेज एमा को तोड़ करके 100 डेज एमा की ओर जाता हुआ देखने को मिलेगा, और मार्केट में जो करेक्शन चल रहा है दोस्तों, और इसमें और भी गिरावट देखने को मिलती आने वाले समय में जिसकी संभावना ज्यादा है, तो ये स्टॉक भी इन लेवल से काफी नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा, और ये काफी अच्छा मौका दे रहा है कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने के पहले IT कंपनियों के जो शेयर हैं, ये दिग्गज कंपनियां हैं जिसके लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं, तो हम लोग ये उम्मीद करके चलें कि क्वार्टर फोर और इनके एनुअल रिजल्ट जो आएंगे अप्रैल में वो काफी शानदार देखने को मिलेंगे, और ये शेयर वापस हम लोगों को काफी तेज गति से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो इस स्टॉक में भी हर गिरावट के साथ खरीदारी करके चलें, और कुछ लंबे समय का नजरिया हो तो ये स्टॉक जो है काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है, ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और बाकी इन जितने भी स्टॉक दोस्तों मैंने यहाँ डिस्कस किया आप लोगों के साथ में, उन सारे के जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के जो वीडियो हैं मेरे YouTube चैनल में मौजूद हैं, आप उन सारे वीडियो को देख करके इनके फंडामेंटल्स के बारे में समझ सकते हैं, और इनके रिजल्ट एनालिसिस के भी वीडियो उपलब्ध हैं, इनके रिजल्ट कैसे आए उसको भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो भी निवेश का नजरिया होगा, राय होगा दोस्तों, आप लोगों का पर्सनल होगा, कुछ भी निवेश करने से पहले आप अपने एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, तभी अपना निवेश का राय बनाएं। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को मैं नमस्कार।